मेरा नाम रेहा खुराना है और मेरा नाम सुरभि खुराना है। आप मम्मी है, हमारी मम्मी है। मेरे भाई को एक लड़की जिसका नाम प्रिया ठाकुर है, जिसकी फेसबुक पे फेक प्रोफाइल है कंगना ठाकुर किया खुराना किया ठाकुर। मेरे भाई को प्यार मोहब्बत में एक वीगो ऐप से उसने फंसाया, उसके बाद मेरे भाई को धमकियां देने लगी, सुसाइड कर लूंगी वरना तू मुझे बुला ले आगरा। फिर मेरे भाई ने उसे किसी घर में लाके रखा और वहां पे उसे सुसाइड की धमकियां देने लगी, यहाँ से बनारस के लिए लेके गई। अब आगरा में आके हम सबके खिलाफ वो यहाँ पे रिपोर्ट कर रही है, पुलिस उसका साथ दे रही है, महिला आयोग में ट्वीट कर रही है, हर जगह ट्वीट कर रही है, हर कोई हम सबको फंसाने की कह रही है कि हमारी पूरी फैमिली को जेल भेजेगी। मेरे भाई का कोई अता पता नहीं है, उस लड़के ने कहाँ उसे किया, क्या मेरे भाई के साथ किया, कह रही है तुम सबकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। प्लीज फ्रेंड्स, आपसे हाथ जोड़ के हेल्प करिए। और ये देखिए, ये उस लड़की की फेक प्रोफाइल है सारी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फेक प्रोफाइल बना के लड़कों को ये फंसाती है, कंगना ठाकुर। एक और फेक प्रोफाइल इसकी दिखाती हूँ, ये रही किया ठाकुर के नाम से सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो लगा के ये उन सबको फंसाती है। और सुनिए, ये उसकी एक आईडी है, बनारस में ये रहने वाली है, किसी एनजीओ में कहती थी काम करती हूँ, फिर वहां से कोई बंदा है सुनील गुप्ता करके, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप बनारस में चलाता है, वो ये बोल रहा है कि मैं फंसाऊंगा, मैं ये करूंगा, और झूठ झूठ बोल रहे हैं कि किसी वीमार्ट में जॉब करती थी। प्लीज फ्रेंड्स, कोई भी हमारी मदद करने को रेडी है, प्लीज हमारी मदद करिए। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हर कोई हमारा कोई भी साथ नहीं दे रहे, घर वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे, हम सिर्फ आपकी हेल्प चाहते हैं, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। हमारा भाई बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है, हम लोगों को फंसाया जा रहा है, सब मिल गए। प्लीज हेल्प करिए, आप जो भी कर सकते हैं कुछ भी करिए। बोल रहे हैं भैया महिला आयोग घर आएगा, वरना हम सारे लोग फांसी लगा के हमारे फैमिली मर जाते हैं, रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा सब उनका साथ दे रही है, वो ये झूठी झूठी कहानियां गा रही है, सब उनकी सुन रहे हैं, सब उसकी सुन रहे हैं। और मेरे भाई का, मेरा इकलौता भाई है, उसका कुछ भी नहीं पता है, इसने उसे किसी वीवो ऐप के जरिए फंसाया, क्या किया ये भी नहीं पता। और ये बोल रहे हैं जेल जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ भी नहीं पता है, क्या गई है ये, पता नहीं क्या कर रहा है बनारस के आदमियों से, इसने क्या। प्लीज आप लोग हम सबकी हेल्प करिए। मैं महिला आयोग मुख्यमंत्री योगी जी से भी प्रार्थना करूंगी, नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करूंगी, हमारी फैमिली को ऐसी जालसाज लड़की से बचाया जाए। ये कोई पता नहीं किस एनजीओ क्या कहाँ की बनारस की है, 40 साल उम्र है, मेरा भाई 20-21 साल का लगभग है, इसके साथ सब पुलिस सब मिले हुए हैं, पुलिस सब मिले हुए हैं।